हेलो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, मेरा चैनल बेस्ड है करंट अफेयर्स पे, पूरी दुनिया में क्या चल रहा है उस पे मैं वीडियोस अपलोड करते रहता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिल सके। तो आज का वीडियो है, हम लोग देखेंगे कि पाकिस्तान की मीडिया जो है वो इंडिया के बारे में क्या बात करी। दोस्तों, आपको भी पता होगा कि पाकिस्तान जो है वो प्रॉब्लम में है, वहाँ पे बहुत सारे क्राइसिस चल रहे हैं, और जबकि इंडिया है तो वो अच्छी तरह से डेवलप हो रहा है, इंडिया की जीडीपी भी अच्छा काम कर रही है, कोरोना की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ रहा है। बट आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड है, उसने एक प्रिडिक्शन दिया है कि जो इंडिया की जीडीपी की जो ग्रोथ होगी वो लगभग 10.5% के आसपास, 11% के आसपास होगी। तो और जो पाकिस्तान के लिए उन्होंने दिया है वो लगभग 2.5% दिया है। मैं मानता हूँ दोस्तों कि पाकिस्तान इंडिया में पीस होना चाहिए, और मेरा जो मानना है कि इंडिया को जो कंपैरिजन है मुझे पाकिस्तान से नहीं करना चाहिए, ना तो हमें किसी को करना चाहिए। हमारा जो कंपैरिजन है वो चाइना से करना चाहिए, क्योंकि इंडिया का जो जीडीपी इस टाइम $3 trillion है, ठीक है, और चाइना का जो जीडीपी है लगभग $15 trillion है। तो उसमें जो आप गैप है वो आप समझ सकते हो। तो मुझे लगता है कि हमको चाइना से कॉम्पिटिट करना चाहिए, चाइना को कॉम्पिटिशन में लाना चाहिए कि हम चाइना से कैसे आगे जा सके। तो चलिए आइए स्टार्ट करते, देखते हैं कि आगे वीडियो में क्या है। दोस्तों, शत्रु डैम के नाम से वो काबुल के गिर्द कह रहे हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और उससे साफ पानी भी मिलेगा और 3 साल के अंदर वो खत्म होगा, एक नया मंसूबा बनेगा, यानी इंडिया की इन्वेस्टमेंट मजीद अफगानिस्तान और अशरफ वनी खुश। अच्छा, ये वो इलाके हैं जहां पर तालिबान अब अपना स्ट्रांग होल्ड कर रहे हैं और वहां पर तशद्दुद हो रहा है और दाइश भी और जमातें, लेकिन इसी दरमियान में वो कह रहे हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे आके, अभी वादा किया है और ये एग्रीमेंट साइन भी हो गए। अहम बात जो खत्ते के हवाले से हुई है और पाकिस्तान में जो भी कुछ हो रहा है वो खत्ते से हटके नहीं हो रहा, वो ये हुआ है कि पहली टेलीफोन पे गुफ्तगू हुई है जो बाइडेन की और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, और पहली गुफ्तगू हुई है और उस गुफ्तगू में जो है, और मैं अगर इसको देखूं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के हवाले से है, इसको जरा बड़ा खा, ये तो व्हाइट हाउस की प्रेस रिलीज है, बाइडन जो बाइडन और मोदी साहब के दरमियान किन किन बातों में गुफ्तगू हुई। नंबर वन, क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अच्छा, नंबर टू जो है वो चाइना के अगेंस्ट बात हुई। ये बात जो है ये आपको मिलेगी बाइडन की प्रेस बाइडन यानी व्हाइट हाउस की प्रेस रिलीज में, आपको इंडो पैसिफिक में और क्वाड का नाम नजर आ रहा है, देख रहे हैं ना, थ्रू क्वाड स्ट्रांग रीजनल आर्किटेक्चर थ्रू क्वाड, चाइना का नाम नहीं लेकिन क्वाड का जिक्र है, यानी क्वाड हुआ डिस्कस नई दिल्ली के अंदर, क्वाड का इजलास करें पहला। सही। तो इस वक्त जो है वो इन्होंने आपस में खैर बात तो कर ली है सारी, लेकिन दूसरी तरफ जो है एक और बड़ी अजीब सी सूरत हाल हो रही है और ये सारे खत्ते में है। मैंने कहा ना पाकिस्तान के साथ इन तमाम मामलात का बराह रास्त ताल्लुक है। ये इतना ज्यादा कभी भी मैं कम से कम दूसरी जंग अजीम के बाद से इस खत्ते को इतना फाल नहीं देख रहा। साउथ चाइना सी में क्या हुआ है, साउथ चाइना सी उसमें दोबारा अमरीकी बहरी बेड़े दाखिल हो गए, रोजवेल्ट और निमिट्स दोबारा दाखिल हो गए। अच्छा। साथ साथ फ्रांस का भी दाखिल हो गया, एक फ्रांस भी आ गया है, फ्रांस का भी एक बहरी बेड़ा जो है अंदर आ गया है। अच्छा, और वो जो है एस एन ए एमरल्ड, और वो जो है वो जनाब चाइना की तरफ से बड़ी सख्ती से बात की गई है कि इनको फौरी तौर पर अपने यहां से निकालें, लेकिन फ्रांस ही कह रहा है कि, मैंने आपसे कहा ना ये जो पूरा खत्ता है अमेरिका बाद में आया है, ये पूरा खत्ता जो है यहां ये यूरोप का था, अमेरिका तो नहीं था यहां, यहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो बर्तानिया की थी, यहां पे फ्रांस था, यहां जो कल हमने कल या परसों बात की थी, यहां पे स्पेन था, यहां पे नीदरलैंड था, यहां पे पुर्तगाल था। अमेरिकी तो कहीं उस वक्त यूरोप से निकल के यहां भी आ रहे थे और वो उस जगह भी जा रहे थे जिसको आज अमेरिका कहते हैं। तो ये अमेरिका जो है वो मैंने पहले भी बात की थी कि यूरोप के ही वो लोग जो यहां आए और फिर यहां से आजादी जब हासिल हो गई और चले गए वापस, अमेरिका से वो नहीं गए। अच्छा, अब मकसद कहने का यह है कि यहां पर अब ये साउथ चाइना सी के अंदर आने शुरू हो गए और इन्होंने ले दिया नाम क्वाड का। दूसरा यह हुआ है कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं, कल उनकी जब शेख रशीद साहब और परवेज खटक साहब उनके साथ मुजाकरात कर रहे थे और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी हो रही थी, तो वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होने दी, बल्कि वो वहां पे मुजाहिरीन जो हैं वो दाखिल हुए और ये फिर शेख रशीद साहब परवेज खटक साहब ने अपनी जगह चेंज की
और वो जहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी उस जगह मुजाहिदीन जो थे सरकारी मुलाजमीन इन्होंने कब्जा कर लिया और इन्होंने दोनों वजरा को वहां आने नहीं दिया। ये हो रहा है इस्लामाबाद में। अच्छा, अब आज ये हुआ कि काबीना का जो इजलास हुआ उसमें कहा गया कि 40% इनकी तनख्वाहें जो है वो बढ़ा दी जाएंगे, लेकिन एडहॉक एडहॉक तो हवाई होती है। वो इनसे मेरी बात हुई हुकूमत से तो उन्होंने कहा यार ये तो मसला है कि इन्होंने 10 तारीख को ऐलान किया हुआ था एहतजाज का और उसको पीडीएम पहले ही सपोर्ट कर चुके। आपको याद होगा मौलाना फजलुर रहमान और मरियम साहब और ये सब ने जब उन्होंने कहा था कि 10 तारीख को जो मुजाहरा होगा हम सपोर्ट करेंगे उसको। अब वो जनाब कल जो है वो यहाँ पे पूरे पाकिस्तान से सरकारी मुलाजमीन पहुंच रहे हैं। अभी मेरी कुछ देर पहले बात हुई को पंजाब से रात को आ जाएंगे, केपी से आ रहे हैं, जो बलोचिस्तान से सिंध से सारी जगहों से वो इस्लामाबाद आ रहे हैं धरने के लिए आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो है वो सरकारी मुलाजमीन का जो धरना है उस तरफ निकल जाए। तो ये एक इशू पैदा हो रहा है इस्लामाबाद के अंदर जिसके ऊपर इंतजामिया को और हुकूमत अच्छे ये नारे लगा रहे हैं हफीज शेख साहब के खिलाफ ये जो सरकारी मुलाजमीन। अच्छा। दूसरी बात ये है कि मैं पहले भी ये याद दहानी करा चुका हूँ और दोबारा करा दूँ कि 16 तारीख को वो जो तहरीक लबैक का की डेडलाइन जो है वो खत्म हो रही है और 16 तारीख ये मैं दोबारा याद दिला दूँ और खासतौर पर शेख रशीद हमारे वजीर दाखिला हमारे भाई हैं शेख रशीद साहब के 16 तारीख को नवाज शरीफ साहब का पासपोर्ट खत्म हो रहा है और उन्होंने कहा था कि पासपोर्ट खत्म होने के बाद जो है वो नवाज शरीफ साहब को तो उस तरफ से वापस लेंगे।